अरे बाप रे। और एक्चुअली जो नीचे का रास्ता ना वो बहुत ही तगड़ा था भाई। हेलो जी, स्वागत आपका फिर से इस ब्रांड न्यू वीडियो में और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल का टाइम हो रहा है 4:45 और मैं रेडी हो चुका हूँ, बस गाड़ी निकालना है और निकल जाना है। बाय द वे हम लोग तो निकल चुके हैं, बाकी लोग भी निकल ही चुका है और आज का हमारा मीटिंग पॉइंट है 8 माइलस्टोन। वैसे आज गूगल ने बता रहा था कि आज बारिश होने वाली है, बट बारिश का कोई सीन लग नहीं रहा है अभी, तो ये भी अच्छी बात है। कुछ पहले बारिश हो जाए वो अच्छी बात है, बट निकलते निकलते बारिश हो तो भाई बड़ा दिक्कत लगता है। सो जी, टाइम हो गया 5:10 और हम लोग पहुंच चुके हैं, बाकी लोग भी शायद पहुंच चुका है। क्या बात है, क्या बात है, चला जाए। तो भैया सब के सब लोग आ चुके हैं और अब हम लोग यहां से निकलते हैं। और समय हो चुका है 5:30, काफ़ी सही टाइम पे आज हम लोग, सूरज भी ऊपर निकल चुका है। और इस वाला ट्रेल में मैं पहली बार जा रहा हूँ, नो आइडिया कैसा ट्रेल होगा। 7-8 लोग हम लोग साथ में, आज ABS हो चुका है ऑफ और आज हमारे साथ है भाई रोहन भैया, काफ़ी टाइम के बाद, तो मज़ा ही मज़ा यार। आई होप एंगल सही आ रहा होगा यार, क्योंकि लास्ट टाइम पर चला उतना सही से नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा गाड़ी दिख रहा था जब मैं सैडल कर रहा था। तो आई डोंट नो कितना विजिबल है, अभी का ऐसा वेदर है ना जैसे लग रहा है कि फॉग है हल्का और सामने पूरा पहाड़ दिख रहा था, तो भाई क्रेजी सीन है आगे का। बस ये ख़राब रास्ता पार हुआ और हम लोग घुस जाएंगे जंगल में सीधा, तगड़ा सीन है भाई। जो हरियाली आ गई ना बारिश के बाद, एक नंबर है। तो सीन शुरू हो चुका है दोस्तों, जिस तरह का रास्ता इधर रास्ता ही नहीं बनाता तो अच्छा होता, ये तो भाई आधा रास्ता बनाया आधा में गड्ढा है, पता नहीं क्या बनाया है। ऑलमोस्ट तीनों साइड पहाड़ है, नीचे तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है, ये कोई हिली एरिया से कम नहीं लग रहा है। क्या छोड़ो, इतने सालों से यहाँ पे बट इधर कभी आए नहीं थे यार, कॉज इधर कभी पता ही नहीं था कि इधर से भी हम लोग इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिल सकता है। इधर इधर चलते हैं ना कहीं, हमको भी वही लग रहा है भाई, ये तो पहुंच जाएगा रोड। अरे बाप रे, रोड हुआ तो दिक्कत है, हम सोच रहे हैं अब आएगा, आ ही नहीं रहा है। तो इस ट्रेल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हम लोग वैसा कोई जंगल उंगल में घुस ही नहीं रहे हैं। आदमी लोग को ऑफ रोड नहीं मिल रहा है तो भाई इसी में पगला जा रहा है आदमी लोग, कि खराब रास्ता कब आएगा, कहने का मतलब है। तो भाई डिस्कशन हुआ कि भाई इधर वैसा ट्रेल है नहीं, तो हम लोग को कहीं से उतर के भाई अगर हमने ऑफ रोड करना है तो कहीं से उतरना पड़ेगा इधर ही से। आगे कहीं जगह दिखता है तो हम लोग प्रॉपर खेत उतमें उतरेंगे, पर ऐसे में तो भाई मज़ा नहीं आएगा। ये रोड इंडियोरो के लिए मस्त है कि भाई इसमें गाड़ी भगाओ पूरा उड़ाते हुए, बट प्लान है कि ऊपर एक पहाड़ दिख रहा है उस जगह तक अगर हम लोग चले गए तो मज़ा आ जाएगा। चलो लेट्स गो, पीछे नहीं रहना है। भाई मौके का फायदा लेके मैं आगे आ गया हूँ, क्योंकि ये रूट में पूरा गर्दा ही उड़ने वाला है। ओ नहीं, हम पीछे हो गए। भाई साहब दुल्ला उड़ा के भागा रहा तुम, आगे तो बंद लग रहा है। हम उधर देख के आते हैं,
उधर भाई साहब क्रेजी सीन है इधर तो। पूरा डस्टी हो गया आज। वो ज्यादा अच्छा है। कमान कमान हो गया। क्या बात है। क्या तगड़ा बिक रहा है यहाँ से। आगे कहीं थोड़ा अच्छा जगह रुकते हैं। यहीं रुके क्या? सो जी हम लोग ले चुके हैं भाई अपना पहला ब्रेक एंड लेट मी शो यू कि यहाँ का नजारा कैसा है यार। जस्ट लुक एट दिस मैन क्रेजी। और एक्चुअली जो नीचे का रास्ता ना वो बहुत ही तगड़ा था भाई। पूरे का पूरा क्या बोलते हैं सैंड और डस्ट से भरा था। तो चलो यहाँ पे ब्रेक लेते थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं फिर आगे निकलेंगे। और आगे का ट्रेल भी पूरा ऐसे ही है। ओ भैया आने समय तो बड़ा आराम से चढ़ा दिए थे, जाने समय तो खतरा लग रहा है। तो हम लोग आ गए थे थोड़ा सा ऊपर कि थोड़ा सा देख ले ऊपर कुछ सीन है क्या। Two hours later. तो हमारा हो चुका है एक लंबा सा ब्रेक और राहुल भी आ गया है तो अब आगे चलते हैं। बस लोकेशन चेकआउट करो। अरे भाई 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 फैन मोमेंट विली मार दो वो नीलेश भाई तगड़ा सीन। बाय बाय बच्चा लोग पूरा ही खुश। ज्यादा उठ गया था यार। ओहो भाई बड़ा गंदा उठा था इससे पहले वाला। सोचे हल्का तो उठेगा थोड़ा सा बेंड हो गए थे। मेरा स्टैंड सटा फिर से। और ये क्या हम लोग तो सीधे बाहर ही निकल गए हैं। तो यहाँ से रोहन भैया चले गए और हम लोग हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग वापस पानी में जाएंगे। तो अभी क्या सीन है कि हम लोग अब वापस जा रहे हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। बिकॉज जब खा लेते हैं ना भाई तो फिर पूरा आलसी आने लगता है। शो जी शहर में आते के साथ ही पूरा ट्रैफिक और अभी का टाइम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 10। तो सब कोई निकल चुके हैं अपने अपने घर और हम लोग भी निकल चुके हैं। तो चलो फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं यार। पसंद आया तो भाई लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई। मिलते हैं आपसे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।